क्या वो पुश करेंगे या फिर एक पैसिव फॉर्म में खेलेंगे। रेकनिंग भी काफ़ी आजू बाजू मौजूद है, इनफैक्ट अगर रेकनिंग के प्लेयर्स चाहे तो एवरेस्ट के ऊपर ये दोनों टीम जो मौजूद थी इतनी टाइम भी डाल सकते हैं। लेकिन जोन का रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन जोनाथन का ये स्प्रे क्लचशत को कर देगा डाउन, शत को बचाना काफ़ी मुश्किल रहेगा। रिलेटिवली वो काफ़ी ओपन पोजीशन में मौजूद है, स्मोक करके निकलना पड़ेगा। हेक्टर यहाँ पर एवियर का रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन अक्षत के ऊपर डैमेज और जोनाथन बहुत ही सटीक तरीके से यहाँ अक्षत को खत्म कर लेते हुए नजर आएंगे। WSB वर्सेस टीम गॉडलाइक की फाइट, यहाँ पे जोनाथन वो एक ग्रेनेड गया जरूर से, जी गॉड को वहां पे डाउन किया जाएगा ज़ेरेफ के द्वारा। हमने बात भी की थी कि ज़ेरेफ एक स्टार खिलाड़ी है, लेकिन एक बढ़िया ग्रेनेड क्लच गॉड का जहां से ज़ेरेफ को डाउन किया गया, ज़ैप उनको मॉलोटोव से डाउन किया जाएगा। WSB पूरी तरीके से बैकफुट पर, जोनाथन एक और प्रिसाइज ग्रेनेड करेंगे और ज़ेरेफ का जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। अब रेडन के कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि जब तक वो रिवाइवल होता है तब तक एक पुश को रोकने की जरूरत रहेगी। टीम गॉड लाइक उनको भी रिवाइवल देना पड़ेगा जी गॉड को। देखिए जी गॉड काफी लो एचपी में बच जाएंगे फिलहाल के लिए, क्लच गॉड एक और स्मोक करके आराम से रिवाइव दे सकते हैं, बस थोड़ी सी कवर की जरूरत रहेगी यहाँ पर। और रेडन एक के बाद एक नेट टॉस आउट किए जा रहे हैं, ये ग्रेनेड अगर सटीक तरीके से पड़ता तो यहाँ पर जीरो गॉड खत्म भी हो सकते थे, क्लच गॉड का नॉकआउट भी मिल सकता था, लेकिन अभी तक कुछ खास फायदा नहीं। एक और मॉली टॉस आउट किया जाएगा लेकिन फंस चुके। देखिए दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि टीम सोल वो ओबे को काफी परेशानियों में डाल रहे हैं, इनफैक्ट दो खिलाड़ियों को टीम सोल ने नॉकआउट भी कर दिया है और टीम सोल सिर्फ तीन ही खिलाड़ियों के साथ बचे हुए। एक बहुत ही बेहतरीन मॉली आएगा यहाँ, रेडन की एचपी देखिए बहुत लो करवाई गई है और गॉड लाइक को फाइट लेना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो WSB को यहाँ से साफ करना चाहेंगे। एक और ग्रेनेड को किया जा रहा है, ये आखिरी ग्रेनेड रहेगा जोनाथन का, इससे कनेक्शन ढूंढना रहेगा इंपॉर्टेंट। ग्रेनेड गया है आगे, ग्रेनेड पड़ेगी जगह पे एंड उसके साथ साथ शैडो का ये स्प्रे भी आएगा, जीगॉड का ग्रेनेड उसके साथ फॉलो अप रहेगा। एक आखिरी प्लेयर बचता हुआ जैप, उसके ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई, UMP के साथ साथ डैमेज देने की कोशिश, लेकिन ये काफी नहीं रहेगा, रिलोड पे जाएगा और दूर से तरफ टीम ओबे वो पूरी तरीके से टीम खेल रहे, इसीलिए हमें गॉडलाइक में वो परफॉर्मेंस का डिफरेंट में एंगेज किया जाएगा और यहां से रेकनिंग के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि वो आगे गए तो गॉडलाइक मौजूद, पीछे गए तो जरूर बहुत सारे टीम मौजूद रहेंगे। जोनाथन दूर से एक खिलाड़ी को कर चुके थे ऑलरेडी कंफर्म ऑटोबॉट जी से, मिस्टर स्पिक